प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हैलोएल्केन भी बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। और इस बार बच्चों हम लोग बनाएंगे फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल्स, यानी फ्री रेडिकल्स फॉर्म होगा किसके थ्रू, हैलोजेनेशन के थ्रू। हैलोजेनेशन यानी हैलोजेनेशन रिएक्शन होगा, हैलोजन ग्रुप के मेंबर आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब बच्चों एनसीईआरटी के अनुसार अगर चलते हैं तो एनसीईआरटी में सिर्फ ब्यूटेन का हैलोजेनेशन किया हुआ है, यानी हम लोग जो है प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का देखेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग प्रोपेन का देखते हैं, CH3, CH2, CH3, ये रहा आपका प्रोपेन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, साथ में अल्ट्रा वायलेट लाइट होना चाहिए, यानी सनलाइट, या इसको हीट भी कर सकते हैं, तब जाके बच्चों ये दो टाइप का प्रोडक्शन देगा, है ना, एक मेजर और दूसरा माइनर। मेजर रहा CH3, CH, Cl, CH3, माइनर रहा CH3, CH2, CH2, Cl, इसका नाम हो गया टू क्लोरो प्रोपेन, अरे है 1 क्लोरो प्रोपेन। अब बच्चों इसका प्रोडक्शन जो है 45%, इसका प्रोडक्शन क्या है 55%, तो ज्यादा क्या है 2 क्लोरो, यानी ए आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट और ए क्या हो गया माइनर प्रोडक्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कार्बन है, यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन हो गया, ए 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन हो गया, इधर से फिर स्टार्ट करते हैं तो ये प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन, है ना। जब भी सबस्टिट्यूशन की क्रिया होगा तो या तो प्राइमरी कार्बन पर होगा, नहीं तो फिर सेकेंडरी कार्बन पर होगा। अब हम लोग ब्यूटेन को लेके आते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें भी बच्चों इधर से लेते हैं प्राइमरी कार्बन हो गया, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, इधर से लेते हैं प्राइमरी और ये सेकेंडरी। हर हालत में सबस्टिट्यूशन कहां होगा, हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह पर क्लोरीन प्रवेश करेगा, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें भी सेम कंडीशन है बच्चों, Cl2 लेंगे, है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर एक मेजर, CH3, CH2, CH, ये रहा Cl, CH3, दूसरा CH3, CH2, 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 Cl, ये क्या रहा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये क्या है 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका प्रोडक्शन जो है बच्चों 28% है, इसका 72% है, यानी ये मेजर हुआ और ये क्या हुआ माइनर हुआ। ऐसा क्यों, ये मेजर और माइनर कैसे हो रहा है, तो हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में बच्चों 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन यानी आरंभ करना, प्रोपोगेशन उसको बढ़ाना, और टर्मिनेशन यानी अंत करना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं पहला स्टेप यानी इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन भी लिख सकते हैं, इनिशिएशन, है ना। इसमें क्या होगा, क्लोरीन है Cl2 है, इसका जो है बच्चों अल्ट्रा वायलेट लाइट लिख दीजिए क्योंकि इसमें हीट की आवश्यकता है। इसमें जो है होमोलाइटिक फीजन होगा, होमोलाइटिक फीजन यानी दोनों 50-50 पार्ट में बटेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फ्री हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फ्री हो जाएगा, यानी क्लोरीन डॉट
ये जो है बच्चों हाईली हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है ना। अरे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये हाईली रिएक्टिव है तो अटैक करेगा प्रोपेन या ब्यूटेन पर, दोनों में से किसी एक का मैकेनिज्म देख लीजिएगा, आसानी से दोनों समझ जाइए है ना। अब हम लोग आते हैं CH3, CH2, CH3। अब इस पर बच्चों अटैक कर रहा है फ्री रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल्स। तो यहां जो है दो कार्बन पर अटैक करेगा है ना, या तो प्राइमरी पर अटैक करेगा और नहीं तो फिर सेकेंडरी, वही दोनों पर कर सकता है। तो यहां जब अटैक करेगा तो HCl तो बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब यहां हो गया CH3, CH फ्री रेडिकल्स हो गया सेकेंडरी कार्बन, यहां CH3। अगर पहला कार्बन पर अटैक करता है तो CH3, CH2, CH2 फ्री रेडिकल्स है ना। अब आएगा फिर से क्लोरीन, फिर से क्लोरीन आएगा, फिर यहां होमोलाइटिक फिजन होगा है ना, तभी बनेगा CH3, CH, Cl, CH3 और एक जो है क्लोरीन फ्री हो जाएगा है ना। अब इसमें फिर से यहां भी वही हाल है बच्चों, इसमें भी CH3, CH2, CH2, Cl, Cl फ्री हो जाएगा। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका 2-chloropropane ये मेजर प्रोडक्ट है और ये जो है आपका माइनर प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों? तो स्टेबिलिटी यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी पर डिपेंड, जो जितना अधिक स्टेबल होगा प्रोडक्शन उतना अधिक होगा। ऐसा क्यों होता है? तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कहता है अल्फा हाइड्रोजन जितना अधिक होगा हाइपर कंजुगेशन उतना हायर होगा। अब यहां देखिए, अब एक कार्बन है, इस कार्बन के दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तीन छो अल्फा हाइड्रोजन यानी मैक्सिमम। यहां देखिए इस कार्बन पर है ना, इस कार्बन पर सिर्फ एक कार्बन है ना, और एक कार्बन से दो हाइड्रोजन यानी दो अल्फा हाइड्रोजन यानी मैक्सिमम, यहां लिख दीजिए मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन। जब मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होगा तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स का बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसमें क्या होगा? नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस कारण से जो है इसका प्रोडक्शन यानी 2-chloropropane का प्रोडक्शन 55% होगा, 1-chloropropane का प्रोडक्शन 45% होगा। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही सिर्फ है, इसमें हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना। तो रिएक्टिविटी देख लेते हैं, रिएक्टिविटी क्लोरीन है, इसके बाद क्लोरीन है, इसके बाद ब्रोमीन है, इसके बाद आयोडीन है ना। अब क्लोरीन जो है बच्चों हाईली हाईली रिएक्टिव है ना। इधर आ जाइए, लिस्ट लिस्ट रिएक्टिव है ना। अब जो जितना कम रिएक्टिव होगा वो अधिक क्या होगा, यहां कर दीजिए लिस्ट सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी आई क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव
वेट। इसको याद रखिएगा बच्चों, है ना, सब काम आपका सफल हो जाएगा। आज यहीं तक बच्चों, इसी के साथ